हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। ये अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अनुदेशक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्री एग्जाम हो गया था और UP SSC ने अनुदेशक परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा योजना और उनका पाठ्यक्रम पूरा पोर्टल पर डाल दिया है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं ऑफिशियल ऑर्डर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 21 अप्रैल का एक नोटिस है UP SSC ने जारी किया है और इसमें आप देख सकते हैं इस जगह पर अनुदेशक मुख्य परीक्षा आपकी 17 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए उन्होंने देखिए अब एक परीक्षा कार्यक्रम बनाया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है वो भी आपको हम और दिखा देते हैं। ये भी पोर्टल पर कुछ ही देर पहले अपलोड किया गया है, यानी आज ही की डेट में 21 अप्रैल 2022 को। और उन्होंने कहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अहता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 का विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने फॉर्म भरवा दिए थे और उसके बाद उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में इन्होंने उल्लेख किया है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का मैंने आपको डेट दिखाई दिया और आपका पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्य योजना क्या है, परीक्षा की योजना क्या है, वो देखिए यहाँ पर दिया उन्होंने। ये आपकी परीक्षा की योजना दी गई है कि आपका जो है 100 अंक की परीक्षा होगी और उसमें आपको 120 मिनट दिए जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी। आपको 120 मिनट दिए जाएंगे इनको हल करने के लिए और इसमें भाग एक में दिया जाएगा विषयगत ज्ञान। जिस सब्जेक्ट से आप होंगे उस सब विषय में आपको जो है 60 प्रश्न दिए जाएंगे और 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। और इसके बाद आपको 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे और वो 40 प्रश्न एक एक अंक के होंगे, यानी कुल 40 अंक के। टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे जिनका पूर्णांक 100 अंक होगा। अब चलते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग के बारे में उन्होंने बताया है। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 नेगेटिव रहने वाली है। अब इसके बाद में देखिए उन्होंने कहा है पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है आपका। भाग एक रोजगार कौशल के लिए 60 अंक हैं। इसमें आप देखिए पहला उन्होंने दिया है अंग्रेजी साक्षरता, जो कि 5 अंक के आएंगे इसमें। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, पंचुएशन में होता है आपका विराम चिन्ह विधान, ये आपका इसमें। और दूसरे नंबर पर एकवचन और बहुवचन, यानी कि आपके। और तीसरे नंबर पर काल परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस। तो ये आपका 3 इसमें बिंदु दिए गए हैं और 3 बिंदुओं से आपसे पूछा जाएगा, केवल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला इसमें देखिए दूसरा जो टॉपिक दिया उन्होंने यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, 20 अंक के इसमें से अंक पूछे जाएंगे। इसमें आपका टाइटल रहेगा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जैसे हार्डवेयर तथा युक्तियों के नाम, कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, फाइल्स तथा फोल्डर्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और बाह्य मेमोरी का प्रयोग, विंडोज टूल्स एवं विशेषता, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और अगला है MS Word, डॉक्यूमेंट को बनाना, खोलना एवं बंद करना, शॉर्टकट का प्रयोग, टेक्स्ट को बनाना, संशोधित करना एवं फॉर्मेटिंग करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये चीज़ें आपके इसमें आएंगी, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और MS Excel जो होता है इसमें से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल में दिया है एक्सेल की सामान्य जानकारी तथा इसका महत्व, सामान्य वर्कशीट बनाना, एडिंग एवरेज तथा अन्य फंक्शन, एक्सेल शीट को प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें आपको कैसे इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि किस तरह से ये कार्य करता है। और वेब ब्राउजर तथा सर्च इंजन के ऊपर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय क्या है, उसकी फुल फॉर्म से भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। और उपयोगी वेबसाइट, वेब ब्राउजर तथा उसका प्रयोग, सर्च इंजन, UPI गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन फंड स्थानांतरण कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और
ईमेल क्या होता है इसके बारे में, ईमेल खाते को बनाना, प्रयोग करना, सीसी तथा बीसीसी का प्रयोग, डॉक्यूमेंट को जोड़ना, चेक करना तथा ईमेल को कंपोज करना, ये सारे ईमेल कंपोज माने ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे सेंड किया जाता है ना। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में देखिए, क्यूआर एआर कोड को स्कैन करना, वाईफाई का प्रयोग करना, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें जिसमें प्रश्न बन सकता है। अच्छा, इसके बाद अगला बिंदु उन्होंने देखा है पर्यावरण शिक्षा। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो आपका ये था 20 अंक का था ये, और इसके बाद जो अगला बिंदु है आपका पर्यावरण शिक्षा, ये आपका रहेगा 10 अंक का। अब इसमें 10 अंक में क्या क्या आएगा, व्यवसाय जनित जोखिम, सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक, यांत्रिकी तथा जोखिम से बचाव, ये आपको इसके बारे में पढ़ना है, इस पर प्रश्न बन सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्यस्थल पर चोटिल हो जाने के बाद बीमारी की देखभाल करना, किसी बीमार की प्राथमिक चिकित्सा तथा लाना ले जाना, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे इतना चोटिल हो जाता है, कोई चल नहीं पाता, तो तुरंत उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसे उस पर कैसे लिटाएंगे, कैसे ले जाएंगे, सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ले जाना और लाना। इसमें पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण का परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और अनियंत्रित प्रदूषण के कारण एवं प्रदूषक में ठोस, द्रव तथा खतरनाक अपशिष्ट, वातावरण को सुरक्षित करना, ऊर्जा संरक्षण, भूजल, ग्लोबल वार्मिंग, कचरे का पृथकीकरण एवं निराकरण, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसमें प्रश्न बनेंगे। अब इसके बाद आता है अगला बिंदु आपका श्रम कल्याण कानून, इस पर 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विभिन्न कानूनों के प्रत्याभूत लाभ तथा फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट वेजेज एक्ट, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पोश्रम एवं प्रौद्योगिकी कानून की व्याख्या, ये सारी चीज़ आपको इसमें स्टडी करनी है, जिस पर प्रश्न बन सकते हैं, ये 20 अंक के प्रश्न आएंगे इससे। और यहाँ आपका गुणवत्ता प्रबंधन से 5 अंक का पूछा जाएगा प्रश्न, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट, PDCA की अवधारणा, क्वालिटी मैनेजमेंट, PDCA, फिशबोन, ये आपसे केवल 5 अंक की दी गई है, इसे आप तैयारी कर लेंगे। इसके बाद अगला देखिए ISO की अवधारणा, ISO का परिचय, ये इसी में है ऊपर वाले में, जिसे जो है 5 नंबर का है ना, तो बिंदु 1 और बिंदु 2। इसके बाद अगला है भाग 2 सामान्य ज्ञान, जो कि 40 अंक का आएगा। अब देखिए निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये आपके करीब करीब होंगे 8, आठों में से 5-5 अंक के पूछे जाएंगे, तो 40 नंबर पूरे हो जाएंगे। देखिए 8 ही तो हैं, तो इन्हें आप बारीक से पढ़ लीजिए, इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, इसमें प्रत्येक से आपको 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया है प्रारंभिक अंकगणित में, ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों से आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। सामान्य हिंदी के बारे में उन्होंने बोला है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे सामान्य हिंदी में। सामान्य जागरूकता और प्रदेश से संबंधित ज्ञान, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लिए, इससे आपके 5-5 अंक के ये टॉपिक हैं, यहाँ से आपको 5-5 अंक के प्रश्न मिल, यानी कि 5-5 प्रश्न मिल जाएंगे, कुल मिला के ये है। तो ये थी आज की अपडेट, जो कि आपके अनुदेशक की परीक्षा का कार्यक्रम क्या है, योजना क्या है और परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, ये सारी चीज़ मैंने इसमें डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।